सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह, सब बिखर गया। हे, छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डिबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है। ये देखो। छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो, स्किप डिप 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 डिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं, जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो पम पम पम। क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। चलो, ये फ्लाई लेग ट्विस्ट, ये फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ, जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। चलो अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डिबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो? मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हाय ब्लिपी। हाय डिबो। मैं चॉकलेट बार बार्बू। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार। मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो
बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है, फिर वे नन्नी नन्नी बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिबो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिबो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गरम किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय बिलेपी। बाय। मैं चांद देख रहा हूँ और तारे, क्या वो प्लेनेट है? ओ हाँ टैब, वाव, अंतरिक्ष में प्लेनेट और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी जगह है, इसे सौर मंडल कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सौर मंडल में कौन कौन से प्लेनेट है टैब। अच्छा आइडिया है टैब, चलो अब अंतरिक्ष में चलते हैं। मुझे जरूरत है रॉकेट बूस्टर की। रॉकेट बूस्टर कंफर्म्ड। प्लेबी स्टेशन को एक्टिवेट करो। प्लेनेट का आकार पाने का समय आ गया है। हम बड़े हो रहे हैं। हाँ टैप, हम अंतरिक्ष में हैं। वाह, ये उल्का है। हे, मैं हूँ प्लेपी। पहाड़ी अंतरिक्ष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मेरी उल्का। मैं यहाँ हमारे सारे सभी प्लेनेट के बारे में जानने आया हूँ मेरी। हमारे यहाँ सौर मंडल में 8 प्लेनेट हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? धधकते सूरज के सबसे करीब 2 सबसे छोटे और 2 सबसे गर्म ग्रह मरकरी और वीनस है। वो, ये काफी गर्म है, हमें जाना चाहिए। तीसरा प्लेनेट है आपका घर अर्थ। हाय मॉम। फिर आता है मार्स, जो कि एक लाल ग्रह है। मार्स लाल ग्रह है क्योंकि ये जंगली मिट्टी में ढका हुआ है। अच्छा, यहाँ तो काफी सारी मिट्टी है। आओ चलें। आगे है विशाल जुपिटर, जो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है, हालांकि इससे मुझे डर नहीं लगता। वो, हमें जाना चाहिए। हम अब सूरज से बहुत दूर हैं। सैटर्न और उसके रिंग में आपका स्वागत है। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या हम करीब जा सकते हैं? बेशक। वो, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी भाई और यूरेनस है, जो सूरज से अरबों मील दूर है। यहाँ बहुत ठंडा है। आइए अब जानते हैं सबसे दूर हवा वाले और सबसे ठंडे प्लेनेट नेपच्यून के बारे में। वाओ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे सौर मंडल में कौन से प्लेनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जवाब अपलोड करो टैब। हमें घुमाने के लिए शुक्रिया मैरी, ये काफी रोमांचक था। फिर मिलते हैं ब्लीपी, अभी शावर का समय है। उल्का शावर। बाय बाय मैरी उल्का। हे,
ये तो कचरा ट्रक है, मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह मक्खियाँ। हे देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब, हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब, हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है, मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ान देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकना पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक की बचे हुए मिस्ट्री मैश भी है। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्तरा की सवारी दे सकता हूँ होरेस। होरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है, इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। होरेस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है, क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंद पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है 24/7 रेस्तरा है, जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी। अच्छू, थैंक्स। अच्छू, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो। हेलो। मैं हूँ ब्लिपी, तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं पराग का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीख। बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओ चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीख आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना हा? भी बुरा नहीं था। ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरफ पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा ये काम नहीं करेगा। ऊँट चढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओह हमारे लिए एक टिशू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीक आ रही है? हाँ बिल्कुल, ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। हाँ, मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं? लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डीबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। सलाद। ओह थैंक्स टैप, मुझे नहीं पता था कि यह पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं। टैप, मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कंफर्म्ड। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब, हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है, चलो आप पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत डाढ़ियां मोलर हैं। मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर चबाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथ ब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। बारिश जल्द ही चली जाएगी टैप। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी मजेदार पेंटिंग खत्म की है। बता सकते हो ये क्या है? वाह टैप, बिल्कुल सही, ये एक पेंगुइन है जो रोलर ब्लेंडिंग करते हुए कप पकड़े हुए है। वाओ इतने सारे रंग। वाह इंद्रधनुष, इतने सारे रंग। मुझे ये बताओ टैब, इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है? एक आइडिया है टैब, हम ऊपर उड़ सकते हैं और इंद्रधनुष से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मुझे विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। चलो जाके ढूंढते हैं। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल
जांच के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है। भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें। प्रकृति के सबसे बड़े प्रभावक को प्रस्तुत करते हुए नीला आकाश गौरव महसूस करता है। मैं बॉबी। वाह, हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ बॉबी। मुझे तुम्हारे सारे रंग पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे अपने रंगों पे नाज है। मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूँ। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। शाबाश, सही बताया ब्लिपी। तुम्हें पता है आज एक बड़ा दिन है। हम आज दोहरा शो स्टॉपर इंद्रधनुष दिखाएंगे। सच? मुझे अच्छा लगा, पर मुझे नहीं पता तुमको ये रंग कहाँ से मिलते हैं। क्या मुझे दिखा सकते हो? बेशक सुपर फैन ब्लिपी। पहले इस फूले हुए बादल को देखें, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश हुई है, जो कि सही है। इसका मतलब है कि हवा में पानी की बहुत सारी बूंदे हैं। वाह, इस बादल में काफी सारी छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं। हैशटैग सही। ठीक है, अगला कदम, बादल को इस तरह रखे कि सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से इस तरह चमके। अब जब रोशनी पानी से होकर जाती है तो वो झुक जाती है या अपरिवर्तित हो जाती है और प्रकाश को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। ये तो शानदार है। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि इंद्रधनुष अपने सारे रंग कहाँ से लाता है। ये तब होता है जब सूरज की रोशनी पानी से होकर जाती है, तो ये रोशनी को मोड़ देता है और रोशनी को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। जवाब को अपलोड करो टैप। आहा, 5, 6, 7, 8। वाओ! इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे हैं आप? अच्छा तो ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप, मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद। हाँ, मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं, जो मजेदार भी है। वाह, शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैप को देखा हो। वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पम्पकिन, टैप, हेलो। ओह, सॉरी। चिंता मत करो, बॉन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। वो? से माफ करना बॉन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है। इसका पीछा करते हैं। हेलो डायन, बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यही खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैप नहीं दिखा। टैप, तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप।
हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पम्पकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। वाह, उछलती हुई रेत के टीले, यहाँ तक कि बाउंसर भी। वाह, क्या अद्भुत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए। हाँ, तुम सही हो टैप, पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह, हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रीडी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबाइल। मुझे ये काफी पसंद आया, तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह न सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो। मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया, तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है। गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो खोदो खोदो, खोदो 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 खोदो। वाह, क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप, हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म, महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी, इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी, बाद में मिलते हैं ब्लिपी, काम करते रहो। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब, हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक धमाका करने के लिए तैयार है और वहाँ है चांद। वाओ, ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मोर रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा।
मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन 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 पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है क्योंकि चांद बहुत छोटा है, इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी, उछलते रहो ब्लिपी। आज बाहर बहुत गर्मी है लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघल कर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है। ये क्या है टैप? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार हैं। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए। हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ। मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लिपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल, हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और मैं सेट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लिपी, मेरी तरह फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो। जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लिपी मोबाइल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लिपी। बाय बाय। वाओ, ये मधुमक्खी काफी व्यस्त लगती है। देखो वो वाले भी और टैम वो भी। ये सब कितनी बिजी हैं। बस एक को छोड़कर। ये मधुमक्खियाँ शहद बनाने में लगी हैं। आखिरकार मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? हाँ, चलो मधुमक्खियों के छत्ते में चलते हैं। मुझे विंग्स और एक्सेवेटर आर्म चाहिए होंगे। विंग्स, एक्सेवेटर आर्म्स कंफर्म्ड। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। अब हमें बस मधुमक्खी की तरह बनना है और हमें छोटे होने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। तुम सही कह
कह रहे हो टैप? मधुमक्खी ने अपनी जीभ फूल में डाल रखी है। हे, मेरा नाम है ब्लिपी, ये टैप है। मैं बस सोच रहा था कि तुम शहद कैसे बनाते हो। हाय ब्लिपी, मैं बिजोन हूँ। शहद हाँ, यही मधुमक्खी का घर है। मैं इस रस को पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम मधुमक्खियाँ शहद बनाना शुरू करती हैं। चलो अब हम घूमते हैं। चलो मेरे साथ चलो छत्ते में। जल्दी चलो, बहुत सारी मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। ये एक फैक्ट्री जैसा है। बिजोन, क्या ये सब रस चबा रहे हैं? हाँ जरूर, चबाना होगा, हम सभी ही करते हैं। चबाने से शहद गाढ़ा हो जाता है, बेहतर शहद नहीं हो सकता। मतलब रनी हनी नहीं चाहिए। और जब आप रस चबाते हैं तो शहद बनता है? नहीं नहीं, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम चबाते हैं, फिर हम निकलते हैं, रस हमारे पेट में जाता है, फिर वो शहद बन जाता है, फिर हम उसे छत्ते में डाल देते हैं। मधुमक्खी का छत्ता? हाँ, हम शहद को छत्ते में जमा करते हैं। क्या मैं थोड़ा सा शहद चख सकता हूँ? ओ दोस्त, ये अजीब सा लग सकता है, लेकिन हमारे पंख फड़फड़ाते हैं जिससे कि शहद गाढ़ा बनता है। वाह! हाँ टैप, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? फूलों से उन्हें रस मिलता है जिसे वो चबाती हैं। इसे वो पेट में स्टोर करके फिर वो शहद को छत्ते में डालकर उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। बाय बिजोन, हमें मधुमक्खी और शहद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डीबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है, हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर ब्लेड्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे। पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी, तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो, मैं अपनी पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ, है ना? एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट नहीं है। सीट बेल्ट आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया, सीट बेल्ट ठीक है। चलो उस चोटी के ऊपर। कर लेंगे आप, अब नीचे जाते हैं। ओ नो डीबो, क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था, उसमें बस 2 सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय परदादा जी ब्लिपी, खुशी से महफूज रहना।
स्वादिष्ट फल से बेहतर क्या हो सकता है? तुम सही कह रहे हो डिबो, सब्जियाँ भी स्वादिष्ट होती हैं। मैं सोचता हूँ कि फल और सब्जियों में आखिर क्या अंतर है। ये एक अच्छा आइडिया है, हम इसका पता लगाने के लिए उस बगीचे में जाएंगे। मुझे इसके लिए विंग्स और ग्रैबर आर्म्स की जरूरत होगी। विंग्स और ग्रैबर आर्म्स कंफर्म्ड। ओकी टोकी आंटी चोकी, ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रूमाच के लिए तैयार है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बगीचे में हैं, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगती हैं। देखो वो रही एक वहाँ। इधर आइए, आप स्लैम कुकम्बर के सर्टिफाइड फ्रेश गेम शो के अगले प्रतियोगी हैं। अपना नाम बताइए। मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। अब ब्लिपी और डिबो, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सभी फलों में एक गड्ढा या बीज होता है और फूल वाले पौधे पर उगते हैं। फलों में गड्ढे या बीज होते हैं और फूल होते हैं, समझ गया। हाँ, और सब्जियाँ अलग होती हैं, वे जड़ और पत्ते होती हैं। ये भी समझ आ गया। शाबाश, आइए खेलते हैं। बताओ मुझे फ्लिपी, ये गाजर एक फल है या सब्जी? बताओ। ओ, गाजर एक सब्जी है क्योंकि ये एक जड़ है और इसके पत्ते भी हैं। सही जवाब। क्या फ्लिपी बचे हुए सवालों के जवाब दे पाएगा? जल्दी बताओ, ये तुम्हारे सामने जो टमाटर है, ये एक फल है या फिर है सब्जी? ये कठिन है। ठीक है, टमाटर एक पौधे से उगता है, लेकिन इसमें बीज भी होते हैं। ये भी एक सब्जी है क्या? ओह सॉरी, सही जवाब है, टमाटर एक फल है। अब आपका आखिरी सवाल फ्लिपी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रॉबेरी एक फल है या सब्जी? स्ट्रॉबेरी एक फल है? हाँ, स्ट्रॉबेरी एक फल है और आपने दो सही उत्तर दे दिए, जिसका मतलब है कि ये ट्रॉफी आपकी हुई। शुक्रिया मिस्टर स्लैम, और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। फलों और सब्जियों में क्या अंतर है? सब्जियां जड़ और पत्ते हैं, और फलों में फूल और एक गड्ढा या बीज होते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। बाय बाय मिस्टर स्लैम, ब्लिपी को बधाई हो, यही हमारा खेल है। मैं स्लैम कुकम्बर हूँ और वैसे मैं एक फल हूँ। फल या सब्जी पर हमारे विशेष अतिथि मैडम मैगो के लिए अगली बार ट्यून इन करें। तुम सही कह रहे हो डिबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम है ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के वो सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो, क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद एक या दो फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आ,
बादल छलांग लगाओ। वाह, सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग, और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये! सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बुलजोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डीबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ, जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। अब मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखे कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वाह, चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डीबो, कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डीबो, चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डकफिक, विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है।
इधर आओ बत्तख प्यारी। इहू छोटी बत्तख। वो बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओ हेलो ब्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेकलेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तखें हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओ देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वाओ! तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डिबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख देखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख? वाओ, क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। इस सब के लिए शुक्रिया डेकलिन। बाय बाय, तैरते रहो। बाय ब्लिपी। वो चिड़िया तो बहुत सी टहनियाँ ले जा रही है। सही कहा डिबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। अच्छा आइडिया है, चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओ नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डिबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओ डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डिबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह थैंक्स डिबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनिया, ये सब जेक के पास है तो उसे हमें बिजी रखना होगा, वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाख के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह थैंक्स डिबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती हैं।
फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती है। जब आपको अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी और डीबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी, बाय अंडो। डरो नहीं जीबो, ये असली मॉन्स्टर नहीं है, ये ट्रिक और ट्रीटर्स हैं, क्योंकि हैलोवीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल जीबो, मैं तुम्हें ट्रिक और ट्रीट सिखा दूंगा। क्या किसी ने कहा ट्रिक और ट्रीट? हाय रीटा, ये मेरा दोस्त डीबो है। हाय डीबो, मैं रीटा द रकून हूँ और हैलोवीन मेरा फेवरेट हॉलीडे है। डरावने कॉस्ट्यूम्स के कारण? नहीं बुद्धू, मुफ्त खाना मिलता है। अच्छा तुम सही टाइम पर आई हो, क्योंकि मैं और डीबो ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहे हैं। रुको डीबो, हमें चलने से पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट्यूम। ग्रेट आइडिया, हम भूत बनेंगे, बहुत मजा आएगा। भूत को भी तो देखने की जरूरत होती है। लो अब पहनो। मैं हूँ ब्लिपी भूत। तो हमारे साथ कराटे मास्टर वाला ट्रिक और ट्रीटिंग है, और अब शेफ है। बहुत बढ़िया। हमारी कॉस्ट्यूम्स तैयार हैं। अब अगला स्टेप, हमारी ट्रीट्स रखने के लिए कंटेनर। जैको लैंटर्न पेल्स अच्छी रहेंगी। डब्बा, मेरी पहली ट्रीट। अब गलियों में घूमने चलते हैं। अंधेरा हो रहा है। चमकता हुआ भूत, क्या बात है। ठीक है, हमें उसी घर को चुनना है जो हैलोवीन के हिसाब से एकदम सजा हुआ है। फिर दरवाजा नॉक करो और कहो, ट्रिक और ट्रीट, आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? ट्रिक और ट्रीट। थैंक यू, हैप्पी हैलोवीन। ये क्या? उफ। याद रखो, हर घर में एक ही बार जा सकते हैं और हमें एक ही कैंडी उठानी है। ट्रिक और ट्रीट। जैकपॉट। ये तो अगले हैलोवीन तक चलने वाली है। इससे मैं हर बार डर जाता हूँ। ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। देखो मुझे क्या मिला? वाह, कितनी सारी ट्रीट्स मिल गई। मुझे और डीबो को ट्रिक और ट्रीट सिखाने के लिए थैंक्स रीटा। और याद रखो डीबो, ट्रिक और ट्रीट के लिए तुम्हें कॉस्ट्यूम और ट्रीट्स रखने के लिए एक बैग चाहिए। फिर घर घर जाओ, जगमगाते और सजे हुए घरों पर रुको, फिर बोलो ट्रिक और ट्रीट, तो बदले में ट्रीट्स मिलेंगी। और हमेशा साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। हाँ, जब आप अपलोड करो डीबो। इस स्वीट सी नाइट के लिए थैंक्स रीटा। बाय ब्लिपी और डीबो, हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डीबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। प्लेबी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो यहाँ
यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डीबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा, जिससे याद आया हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डीबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो। मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो वो। शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहा जाता है। सब लोग लिपी। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़ कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डीबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी।